बताना चाहती हूँ कि आप लोग विंटर्स में क्या ले सकते हैं। एक्चुअली विंटर्स में होता क्या है कि कुछ जगह होता है ना कि किचन में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, स्लीपर पहन के नहीं जा सकते, तो आप लोग ये। हेलो एंड वेलकम टू करंस फैमिली, कैसे हैं आप सब? वो सोच होंगे मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियो मैं लेके आ रही हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। एंड अगर आप कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, चैनल पर बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियो पड़ी हुई है। सो डियर फ्रेंड, आज मैं स्वेटर पहनी हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा और भाई टाइटल भी पता चल गया होगा। मैं विंटर कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है विंटर्स की, अपने लिए, बच्चे के लिए एंड हस्बैंड के लिए, वही आप लोगों के लिए साथ शेयर करने वाली हूँ। और वैसे विंटर्स तो काफ़ी टाइम से शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। मतलब एग्री करेंगे ज़्यादातर लोग कि महाराष्ट्र में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ठंड पड़ती है ऐसा नहीं है नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं ना तभी ज़्यादा ठंड लगती है, घर के अंदर हमको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। अभी मैं सो के उठी हूँ, इवनिंग टाइम पे है तो इसीलिए मैं स्वेटर पहनी हूँ। और ये मेरा स्वेटर लॉन्ग पैटर्न में है, मैं आपको जब दिखा दूंगी ये स्वेटर भी आप लोगों को कि ये स्वेटर कैसी लग रही, वैसे मेरी फेवरेट है ये। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो विंटर्स की शॉपिंग हुई थी तो लड्डू गोपाल के लिए भी विंटर के कपड़े आए थे। यहाँ पे कम ही मिलते हैं इसलिए एक दो ही ला पाई मैं, यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो देख लीजिए पहना दी हूँ नहला के और कितना क्यूट लग रहे हैं ना गुड्डू मेरे। सोच लिया अब आगे वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्या क्या लाई हूँ और वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे आप लोगों को भी थोड़ा सा सजेशन मिलेगा कि कैसे कपड़े खरीदे बच्चों के लिए और अपने लिए। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ कपड़े बाबू के मेरे पहले से रखे हुए थे इस बैग में, मतलब बहुत सारे कपड़े इसमें हैं, मुझे पता नहीं था। इसमें 5-6 कपड़े हैं। पिछले साल बाबू का जब बॉर्न हुआ था ना, उसके 9 महीने बाद उसका एक फंक्शन हुआ था जिसमें रामचरितमानस वगैरह हुई थी। कई रिलेटिव्स को बुलाते हैं, ऐसा आप लोगों के यहाँ भी होता होगा क्योंकि कुछ होता है ना, बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ पार्टी फंक्शन रखा जाता है, तो उसमें बुलाए थे। तो उसको ठंडी में हुआ था, मतलब नवंबर में हुआ था, तो उस समय सब लोग, जितने लोग आए थे तो सब लोग स्वेटर वगैरह लाए थे। और उधर मैं फिर 3-4 दिन रुकी थी, बता रही हूँ वहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ पे मैंने उसके लिए इनर वगैरह स्वेटर वगैरह ले लिया था, तो पिछले साल वही सारा काम हो गया उसी से। लेकिन मैं फिर से जाके शॉपिंग करके आ गई, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे का कपड़ा रखा हुआ है। फिर मैं जब दीवान खोली किसी काम के लिए तो देखी तो बहुत सारे कपड़े थे। मुझे लगा था अगर होंगे भी तो छोटे हो गए होंगे, लेकिन नहीं है, अभी उसको परफेक्ट आएंगे जो कपड़े रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे मिले कपड़े हैं, ये जो पर्सनल लोग हैं अपने उन्होंने दिया था और बहुत सुंदर सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग। अभी उसको ये परफेक्ट आएगा। और इसका इसी तरह का एक पैजामा है और बहुत सुंदर सा ये है, तो मैं सोची हूँ कि अभी इसको भी निकाल के पहना ही डालती हूँ। कुछ मतलब बड़े थे ना थोड़ा थोड़ा, तो मैंने रख दिया था। कुछ इस तरीके के ये हैं, सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े दिए थे, तो कुछ लोगों ने गर्मी के दिए थे, कुछ लोगों ने ठंडी के दिए थे। वैसे ज़्यादातर ठंडी का ही मिला था, कुछ पिछले साल ही पहना डाली मैं, कुछ छोटे हो गए तो रखे हुए हैं, और भी रखे हैं बट वो छोटे हैं थोड़े से। और ये देखिए ये भी काफ़ी प्यारा सा है, तो ये सभी अभी उसको आ जाएंगे। इसकी ये पजामा है, तो आप लोगों को मैं यही बताने के लिए दिखा रही हूँ कि पहले घर पे चेक कर ले कि पहले से तो कुछ अच्छा रखा नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बार बार बच्चों के लिए कुछ खरीदना फिर वो छोटा हो जाता है, अगले विंटर में छोटा हो जाता है। तो मेरे से ये मिस्टेक हुई है क्योंकि मैंने उसको उसके लिए थोड़ा सा शॉपिंग ज़्यादा कर ली है, तो ये मिस्टेक मेरे से हुई है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले देख लें कि बच्चों, क्योंकि मतलब नेक्स्ट ईयर बच्चे बड़े ही होते हैं ना, तो छोटा हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो एक ये है, मतलब ऐसे ही उसके बब्बा शायद ये वाला ड्रेस लाए थे और कुछ मामा लोग लाए थे उसके, तो मतलब वही सारे हैं, ये सारे मिले हुए कपड़े। ये देखिए ब्लू कलर कितना प्यारा सा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, शायद उसके मामू ने दिया था उसको, तो मामू या मौसी ने, किसी ने ये वाला ड्रेस लाया था। तो देख सकते हैं, और तो मैं पहना चुकी थी, बता रही हूँ आप लोगों को। सो ये रहे जो मेरे को पता ही नहीं थे कि मेरे बच्चे के पास कपड़े हैं, तो सॉरी आप लोग ये गलती मत करना प्लीज़, आप लोग एक बार चेक कर लेना, क्योंकि विंटर्स में ही काम आते हैं फिर ये 4 महीने, उसके बाद तो काम ही नहीं होता। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस सुबह शाम का पड़ता है, बाकी इतना ठंड का कपड़ा नहीं यूज़ होता है। फिर चलिए मैं क्या लाई उसके लिए वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने उसके लिए लाए दो छोट, मतलब ये इनर इस टाइप के,
देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके का ये इनर है, दो हैं। आई थिंक ये पिछले साल भी चल जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेचेबल हैं, काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं ये, और पिछले साल तक शायद मेरे बाबू को आ जाए, भगवान करे आ जाए, तो मुझे पिछले साल नहीं ख़रीदना पड़ेगा, पिछले नहीं अगले साल नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये दो है, ग्रीन और एक ब्लैक है, और उसके ऊपर ये कलर बहुत सूट करते हैं। तो दो ये लाई हूँ मैं, एंड एक ये लाई हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत प्यारा सा कलर है यार, उसको मैंने पहनाया था, मैं फ़ोटो डाल दूँगी, इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं नज़र ना लगे बच्चे क्यूट होते ही हैं, सबके बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब बच्चों को कुछ अच्छा पहना दो ना तो, मतलब कुछ भी पहना दो, कुछ अच्छा नहीं, कुछ भी पहना दो अच्छे लगते हैं। और ये लाई थी मैं, और ये इस टाइप के पैटर्न मुझे बच्चों के लिए बहुत पसंद है, तो ये एक पुल ओवर हुडी जो भी आप लोग बोलते हैं वो लाई थी मैं, और एक मैं उसके लिए ये जैकेट लाई हूँ, देख सकते हैं। ये जैकेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जैकेट जो है ना, ये लल्ला को अगले साल भी हो जाएगी, तो इसके लेने का मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अगले साल भी उसको ये आ जाएगी, तो इसको ले लेती तो अच्छा रहता। बाकी जो चीज़ें ली है ना, ये भी ठीक है, हो गया, कुछ नहीं होता, ले लिया तो ले लिया, आप क्या कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये आप लोगों को कैसे लगे, बेबी बाबू के कपड़ों में से सबसे अच्छा आपको क्या लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैप भी उसके पास बहुत सारी रखी हुई हैं, बट ये मैंने लाई हूँ अभी भी लाई हूँ, ये कुछ इस तरीके का ऐसे इसमें इसके अंदर ऐसे डाल दो, तो इसको चाहे आप फोल्ड करके बांध दो या फिर इसके अंदर डाल दो, ऐसा वाला है। और ये हमारी मशीन में गया था इसीलिए, मतलब धुलने के लिए, तो थोड़ा सा अपने आप ही ये फोल्ड हो गया है, कुछ इस तरीके का है ये, तो ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। और इसके पास कैप बहुत सारी हैं, तो कैप मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, आप लोग बोलेंगे तो मैं कैप कलेक्शन भी शेयर करूँगी बच्चों के। तो ये रहा बाबू का कपड़ा, और बाबू के लिए और कुछ नहीं आया है, बस लोवर आया है घर में पहनने के लिए, नॉर्मल ऐसे सिंपल सा दो लोवर लिए हूँ। उसके पास ऐसे बहुत सारे पैंट हैं, इसलिए ज़्यादा उसके लिए कुछ भी लिया नहीं है अभी। देखो बहुत जल्दी मैं गांव जाने वाली हूँ अपने, तो और भी शॉपिंग होगी, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और अगर गाँव गई तो ही ये कपड़े यूज़ आने वाले हैं क्योंकि उधर बहुत ठंड होती है, मेरे MP में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अब चलिए दिखा देती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या लाई हूँ विंटर में, तो उनके लिए मैंने लिया है एक ये गरम वाली टी शर्ट, आप लोग जैकेट भी बोल सकते हैं, ये काफ़ी प्यारा सा ग्रीन कलर, सॉरी ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर, तो ये कुछ इस तरीके का है ब्लैक कलर का, और ये गरम है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ट्रेंड गई थी, मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया इसको, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा कलर है इसका। और ब्लैक कपड़े अच्छे लगते हैं लड़कों के ऊपर, और वो वही खुद से पसंद किए कि ब्लैक लूँगा। और सेकंड चीज़ मैं जो ली हूँ उनके लिए वो है ये जैकेट, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जब लिए थे तो हम पहन के आए थे मार्केट से, क्योंकि हम बिना पहने गए थे, और मतलब बिना जैकेट के गए थे, तो आते आते ठंड लग रही थी, तो खोल दिया था उन्होंने, तो देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लैक कलर की इनकी जैकेट है, और ये अंदर काफ़ी अच्छा सा ये सॉफ्ट सा इसमें जो भी बोलते हैं वो है, तो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये कैप है इसमें, और मेरे पास ये स्वेटर मेरी अभी नई ही है, पिछले साल ही शायद मैंने लिया था साड़ी में पहनने के लिए, तो इसको भी मैं लास्ट में दिखा दूंगी, मैंने अपने लिए भी कुछ लिया है वो दिखाती हूँ। फाइनली मेरा आ गया लड़कियों को ना सोना मत दो, चांदी मत दो, बस कपड़े दे दो, तो वही वाली लड़की मैं भी हूँ, आई लव कपड़े, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने भी एक ये हुडी पुलोवर जो भी बोलें ये लिया है मैंने, और इसमें बहुत प्यारा सा पॉकेट है ऐसे, तो दोनों तरफ से है, तो मैंने पहन के भी देख लिया, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और अब मैं जब जाऊँगी कहीं घूमने वगैरह तो आप लोगों को पहन पहन के मस्त अच्छा अच्छा दिखाऊँगी। ब्लॉगिंग मैंने बंद की है, बस यहाँ की ब्लॉगिंग बंद की है, मतलब यहाँ की चीज़ें क्या रोज़ रोज़ वही वही दिखाऊँ, वही काम रहता है, बट अगर मैं कहीं स्पेशल जगह जाऊंगी तो आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी। और नेक्स्ट जो मैंने अपने लिए लिया है ना वो ये है, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत प्यारी सी जैकेट टाइप का ही है, बट ये सॉफ्ट कपड़े में है। मेरे पास जो ये वाली जिनका जैसा इनका कपड़ा है और बाबू का ना, वैसे जैकेट मेरे पास है, तो फिर मैंने ये ले लिया, और शायद वो भी इसी कलर की है, थोड़ा सा पिंक ही मुझे पसंद आता है पता नहीं क्यों, तो मेरी ये वो थोड़ा सा डार्क है शायद, तो कुछ इस तरीके की ये भी है, और इसमें भी हुडी लगी हुई है, इसमें चैन है, और ये सिर्फ दिखने के लिए मतलब फैशनेबल लगा हुआ है ये, इसका ये शो के लिए बटन लगा हुआ है। तो ये मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं ली, बस इतना ही ली, और उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया, दो ही लिया अपने लिए,
क्योंकि ऑलरेडी पहले से अपने पास बहुत सारा मतलब ये सब चीज़ रखा रहता है और हम लोग तो बड़े होते नहीं हैं कि छोटा हो जाएगा। सो ये वाला स्वेटर दिखा देती हूँ, ये फुल लॉन्ग स्वेटर है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत प्यारा सा इसका ये इस तरीके का कुछ ऊपर नीचे ऐसे जिग जैग टाइप का इसमें मतलब बना हुआ है, तो वो है। और एक चीज़ और दिखाने के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग विंटर्स में क्या ले सकते हैं। एक्चुअली विंटर्स में होता क्या है कि कुछ जगह होता है ना कि किचन में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, स्लीपर पहन के नहीं जा सकते, तो आप लोग ये लीजिए, बहुत अच्छा रहता है ये, मतलब ये बहुत सॉफ्ट, मैं तो यही पहनती हूँ यहाँ पे, मुझे पैर पे ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये लीजिए आप लोग। इससे क्या होगा कि आप लोग किचन पे भी काम कर सकते हैं, पूजा वगैरह पे भी काम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब गर्म पैर रहता है, पैर में ही ज़्यादा ठंडी लगती है मुझे, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर लीजिए। सो आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, कौन सा सबसे अच्छा मतलब मेरा कलेक्शन लगा, बाबू का लगा, मेरा लगा, इनका लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वाली स्वेटर कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय।